क्या एक देश की सीमाओं की पहरेदारी एक आत्मा कर सकती है? क्या एक सैनिक शहादत के बाद लौट कर आ सकता है? अगर नहीं तो क्यों उसकी मृत्यु के बाद भी उसे तनख्वाह मिली, क्यों मौत के बाद भी मिला प्रमोशन, छुट्टियां भी मिली और फिर रिटायरमेंट भी? एक सैनिक जिसकी मृत्यु 1968 में हो चुकी हो, उसके बावजूद, अपनी मृत्यु के, अपनी शहादत के बावजूद वो देश की सीमा की सुरक्षा करता है, वो भारत चीन सीमा पर पहरेदारी करता है। ऐसा सिर्फ आम लोगों की धारणा नहीं है, ये भारतीय सेना का विश्वास है, ये चीन का विश्वास है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको उसी सैनिक हरभजन सिंह की देशभक्त आत्मा की कहानी सुनाएंगे। भारत चीन सीमा की इन कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना बेफिक्री से तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद वो सरहद की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, यहां कोई भारत का बाल तक बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहां सैकड़ों सैनिकों के बीच एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यही मौजूद है। जो बटालियन जाती है वो बताती है कि ये बात है, वहां सच्ची बात है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ड्यूटी करता है वो तकरीबन सिक्किम का जो इलाका है वहां पेट्रोलिंग जो है बाबा करता है। यहाँ भयंकर ठंड में लंबी ड्यूटी करते हुए भी किसी जवान को झपकी नहीं लगती, अगर गलती से लग जाए तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ता है। बाबा ही ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा ही थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसे। जी, चीन अगर घुसपैठ करने वाला हो तो बाबा घोड़े पर सवार होकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। चाइना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर? तो वो हमने बोला कि हम हमारा आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा भी रात को कोई घूमता है, जब घूमता उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी चाइना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। भारतीय सेना के एक आम सिपाही थे हरभजन सिंह। 1967 में सिक्किम में पोस्टिंग हुई और भारत चीन सीमा पर नाथुला पे तैनाती के दौरान एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। वो कपूरथला के रहने वाले थे, वो जो उनका जन्म भी कपूरथला में हुआ है, वो 23 पंजाब में बसे हुए थे और उस टाइम जो बटालियन थी वो सिक्किम में थी और सिक्किम के अंदर ही वो वहाँ वो नाला पार कर रहे थे, वहाँ पर उनका वहाँ वो पानी में वहाँ वो बताते हैं कि चले गए पानी के अंदर, खच्चे की वो पूछ पड़ के पार कर रहे थे नाले को, तो वहाँ पूछ छुट गई पानी से, जो खच्चर आगे निकल गई, हाथ छुट गया पानी से, वो बह गए। वो एक बर्फीली रात थी, ढूंढने की बहुत कोशिशें हुई पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक रात वो अपने एक साथी के सपने में आए और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय है। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा सिर पास सिर है जो जहाँ पे पड़ा हुआ है आप वहां से उठाइए, फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहाँ उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। सुबह जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहाँ सपने में खुद उन्होंने बताया था। सेना से सैनिक हरभजन सिंह को भगोड़ा मानने की गलती हो गई थी, लेकिन इस भूल को सुधारा गया और उन्हें पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार दिया गया।
इसके कुछ दिनों के बाद वो अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में आए। उस सैनिक ने बताया कि उन्होंने उसके सपने में आकर कहा कि मेरा शरीर भले ही खत्म हो गया है लेकिन मेरी आत्मा अभी भी ऑन ड्यूटी रहेगी। रात को इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूंगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। शुरू शुरू में तो सपने की बात को मन का वहम समझकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। मसलन अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर सावधान कर देते। और ये भी सुना है कि बोलते हैं कि 72 घंटे पहले वो बता देगा, अगर चाइना ऑपरेशन करता है हिलता है तो वो 72 घंटे वो ये पहले बता देगा कि ये ऑपरेशन चाइना करने वाला है। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह उनके साथ हैं, ड्यूटी पर तैनात, सजग प्रहरी की तरह। धीरे धीरे ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची और जब उन्होंने इसे सच्चाई की कसौटी पर परखने की कोशिश की तो हैरान रह गए। बाबा जी कोड़े थे, अपने चीन के लोगों ने कहा कि आपका बंदा यहाँ सफेद कपड़े पहनकर घोड़े पे घूमता है, उसको वापस बुला लो। चीनी लोगों ने इस बारे में भारतीय अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, जिसके बारे में बाबा पहले ही भारतीय अधिकारियों को बता चुके थे। साहब तुसी जे तुहाड़े को लैटर आना है तुसी उन्हां नूं कहो भी तुहानूं कहिंदा कुछ नहीं। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे होते थे तब एक ऐसा सिपाही भी उनके साथ प्रहरी बनकर डटा रहता है जो नजर नहीं आता क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए और उनके नाम पर बंकर को मंदिर बना दिया गया। बाबा के गांव में जो उनका घर है उसका ये कमरा हूबहू उसी तरीके से सजाया गया है जिस तरीके से बंकर में उनके बिस्तर को सजाया जाता था। बाबा सुबह ड्यूटी के लिए जाते थे, पीछे से उनके बिस्तर पर चद्दर तान कर लगाया जाता था, तकिया लगाया जाता था, साथ में उनके स्नो बूट्स रख दिए जाते थे कि कहीं अगर वो जाना चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकें, पीने के लिए पानी का इंतज़ाम रहता था। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब सवेरे सैनिक प्रवेश करते थे उस बंकर में तो वो देखते थे कि चद्दर तनी हुई नहीं है बल्कि चद्दर पर सिलवटे हैं जैसे कोई सो कर उठा हो और जो बूट्स रखे रहते थे उन पर मिट्टी के निशान रहते थे। जैसे सर रात को ये बिस्तर है इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का, जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज करेंगे और जहाँ पे सिर लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, खराब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है। चाहे कितना भी खतरनाक बर्फीला तूफान आए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, सैनिक इस विश्वास के साथ सीमा पर डटे रहते हैं कि उनके साथ बाबा हरभजन सिंह साक्षात मौजूद हैं। और जब वो खुद मौजूद हैं फिर डर काहे का। फिर कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को चीन की तरफ से यह खबर मिलने लगी कि उन्हें अपनी सीमा में कोई नजर आया है। बात सिर्फ बाबा हरभजन सिंह के आत्मा रूप में बॉर्डर पर तैनाती तक की नहीं थी बल्कि उन्हें भारत चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया जाता, एक खाली कुर्सी उनके नाम की भी रखी जाती।
तो वो उसके बाद उन्होंने जैसे भी कोई फ्लैग मीटिंग हमारी होती है तो उनकी जगह मानी जाती है कि बाबा जी बीच हाजिर होकर ही सारी जो भी ब्रीफिंग मीटिंग होगी तो बीच बैठेंगे, उनकी चेयर खाली छोड़ी जाती है। सेना की यह आस्था अंधविश्वास नहीं है, सेना का विश्वास भी नियम कायदों को मानता है। लिहाजा जब एक बार एक एनजीओ ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सेना की ये कार्रवाई दरअसल अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, तो सैनिकों ने ये पेशकश की कि वो अपने वेतन से एक हिस्सा बाबा हरभजन सिंह के नाम पर देंगे और उनकी पेमेंट भी मिलती। पहले जब सर्विस करते थे तो उनको पेमेंट सैलरी पूरी मिलती थी जो आदमी हाजिरी आदमी को मिलती है, उसके बाद वो पेंशन में रिटायरमेंट हो गए। बाबा हरभजन सिंह का प्रमोशन भी सेना के नियम कायदों के हिसाब से हुआ। यही वजह है कि सेना में बतौर सिपाही भर्ती होने वाले बाबा हरभजन सिंह ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर हुए। नियमों के मुताबिक उन्हें 2005 में रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया। दरअसल सेना के नियमों में ऐसा प्रावधान है। आखिरकार 2006 में हरभजन सिंह रिटायर हो गए। उसको प्रमोशन वगैरह दिया गया फौज ने, जो सरकार है उसने उसको पूरा प्रमोशन दिया है, क्योंकि एक सिपाही से वो ऊपर तक गया, सुभद्रा मेजर उन्हें कैप्टन रिटायर किया गया, उसको पेंशन वगैरह सबको मिलती होगी, शायद ये होगा कि उसके घर माता को मिलती होगी पेंशन। बाबा हरभजन सिंह रिटायर होकर अब हमेशा के लिए कपूरथला वाले अपने गांव में लौट आए और माँ के जिंदा रहते तक उनकी पेंशन भी घर पर पहुंचती रही। सिपाही हरभजन सिंह शरीर छोड़ने के बाद भी देश की सीमा पर तैनात रहे, उसके प्रहरी रहे, उसी तरीके से ये अखंड ज्योति जैसे उनकी प्रहरी है। जहां आस्था होती है वहां विश्वास होता है। बाबा हरभजन सिंह की कहानियां सैनिकों को तो लुभा ही रही थी, लेकिन आम लोग भी उससे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि उनके जो चमत्कार थे वो आम लोगों के जीवन को भी छू रहे थे। शुरुआत में तो एक बंकर था, एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और साथ ही विस्तार होता गया उस चमत्कार का। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथूला दर्रा, यह तापमान हमेशा शून्य के नीचे रहता है। बर्फीली चोटियों पर कभी पांव फिसलते हैं, कभी सांस उखड़ती है। जीवन बेहद मुश्किल है। यहां चीन जैसे चालाक दुश्मन से सामना है, न तो चैन मुमकिन है न चूक। ऐसे कठिन मोर्चे पर भी अगर भारतीय जवान बेफिक्री से तैनात रहते हैं तो बेमिसाल बहादुरी के साथ बाबा हरभजन सिंह में अद्भुत आस्था बड़ी वजह है। तो फिर बाबा का जो रूप इन अकल्पनीय कठिनाइयों में सैनिकों का साथ देता है, वो आम लोगों के विश्वास का कारण क्यों न बनता? श्रद्धा का दायरा बढ़ा तो आम लोग बाबा हरभजन सिंह के दर्शनों को आने लगे। सेना ने मंदिर को बड़ा करने का फैसला लिया और एक नए और भव्य मंदिर का निर्माण। फौज भी इधर ही रहती है सर, वो भी आती रहती है, जब जो यहाँ पे रहते हैं वो सभी आते रहते हैं दर्शन के लिए। चाहे यहाँ पे कोई इस इलाके में कोई भी आएगा बाबा के मंदिर में जरूर। मंदिर के अंदर कॉपियां भी रखी रहती हैं जिस पर लोग अपनी मन्नतें लिखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी पूरी करके वापस लौटते हैं तो उन मन्नतों को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। नहीं, हम इस बात को सर नहीं कह सकते कि हमने उनको देखा है या उनको महसूस किया है, लेकिन जो उनसे हमने दिल से मांगा है वो उन्होंने हमें दिया है, इस बात की गारंटी हमारे पास है। लोग मन्नतों के साथ मंदिर में पानी की एक बोतल भी चढ़ाते हैं, जिसके पीछे मान्यता ये है कि अगर किसी को कोई शारीरिक परेशानी या कोई बीमारी है तो वो यहाँ पानी की एक बोतल चढ़ा दे और 3 दिन बाद उसे वापस ले जाए। इसके बाद इस बोतल के पानी को 21 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके
पिए तो उसकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा के मंदिर में पानी भरी बोतलों का अंबार लगा रहता है, जो इस बात का प्रतीक है कि लोगों को विश्वास है कि ऐसा करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सैनिकों के लिए मंदिर शक्ति का केंद्र है, और यही वजह है कि जब भी कोई नया सैनिक इस क्षेत्र में ड्यूटी पर आता है तो वो पहले इस मंदिर में आकर अपना सिर झुकाता है और मन्नत मांगता है कि बाबा उसकी रक्षा करे। एक उसमें जवान था जिसके बच्चा नहीं होता था, ऐसे हमें उन्होंने बताया। उन्होंने बाबा जी को बोला कि आप अरदास करो कि हमारे बच्चा हो जाए, तो उन्होंने बाबा जी ने अरदास किया तो बच्चा, उस जवान के बच्चा हुआ। अमूमन मंदिरों में लाल वस्त्र का इस्तेमाल होता है पूजा के लिए, लेकिन यहाँ पर तो भारतीय सेना का ऑलिव ग्रीन है। ये वर्दियाँ कभी बाबा हरभजन सिंह के शरीर पर फबती थी, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से संभाल कर रखा गया है जैसे अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हो और उन वर्दियों को एक शान के प्रतीक के तौर पर संभाला जाए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो सबसे दिलचस्प कहानी आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ट्रेन में बिठाकर बाकायदा उन्हें छुट्टी के लिए विदा किया जाता था। उस ट्रेन की वो तमाम तस्वीरें, वो टिकट्स, और किस तरीके से एक बर्थ को खाली रखा जाता था क्योंकि वहां पर बाबा हरभजन सिंह विराजमान थे। उनके ट्रेन का न केवल टिकट कटाया जाता बल्कि रिजर्वेशन कराया जाता और उनके बर्थ पर उनकी तस्वीर को सुलाया जाता। भारतीय सेना में जब भी जो सिपाही हैं उन्हें छुट्टी मिलती है, वो अपने घरों के लिए इसी तरीके से रेलगाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पेच एक ऐसे सैनिक का था जिसको जिंदा न होते हुए भी जिंदा माना जा रहा था, वो सबके विश्वास में शामिल था। तो सेना ने सोचा, सैनिकों ने सोचा, क्यों ना अपने सैनिक को सम्मान दिया जाए, और उसके इसी स्टेशन पर पूरे रस्मों रिवाज से साजो सामान के साथ उसे लाया जाता और जयकारों के बीच यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत होता। ये साजो सामान, ये सारा इंतजाम उस सैनिक की आत्मा के लिए है जिसने शरीर तो छोड़ा लेकिन कर्तव्य पथ से कदम नहीं हटाया। सिर्फ वर्दी नहीं, जुनून है उस फौजी की रूह का जिसने सरहद की रक्षा के वादे को मरने के बाद भी निभाया। ये हुजूम है उस विश्वास का जिसने सेना के एक जवान की शहादत को भगवान का दर्जा दे दिया। जब बाबा हरभजन सिंह सेना में थे तब सितंबर का महीना सिक्किम से लेकर उनके घर कपूरथला तक त्योहार जैसा हो जाता था। ये उनके छुट्टी पर जाने का वक्त होता था। बाबा को सेना से 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी और जिस दिन उन्हें ले जाना होता था तमाम सैनिक उन्हें विदा करने आते थे। 2 सैनिकों की देखरेख में गाड़ी में सवार होकर पहले उन्हें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्टेशन भेजा जाता। उनके ट्रेन का न केवल टिकट कटाया जाता बल्कि रिजर्वेशन कराया जाता और उनके बर्थ पर उनकी तस्वीर को सुलाया जाता। जब वो कपूरथला पहुंचते सारा गांव उत्सव मनाने की तैयारी में जुट जाता। छुट्टी हमने मैंने खुद रिसीव किया था बाबा जी को। वहां से जब सिक्किम से वो चलते थे तो पहले फोन आ जाता था कि बाबा जी छुट्टी पर आ रहे हैं, तो उनकी सीट वहां से रिजर्व हो जाती है। गाड़ी के अंदर बकरी सीट खाली होती थी, उसकी सीट जहाँ जिसके ऊपर बाबा जी होते थे, सात सेवादार उसका चलता है,
जब जहाँ जलंधर में आते तो हमारा जहाँ से सी साहब का नंबर वन जाऊँगा जो वहाँ लेके लिए जाता है वहाँ उसको रिसीव करने के लिए। अफसर साहब वहाँ लेकर उसको बटालियन के अंदर आते थे, गुरुद्वार साहब में हम रखते थे रात को, और सुबह उसको उसके घर के लिए दोबारा उसी इज्तमान से हम उसको रवाना करते थे। घर में बैठी बाबा हरभजन सिंह की माँ आंखों से सही से देख नहीं पाती थी, लेकिन 15 सितंबर का मतलब वो भी खूब समझती थी। सुबह से अपने बेटे की तस्वीर गोद में लेकर बैठ जाती। जब वो घर में आते हैं तो घर में रौनक होती है, खुशी का माहौल होता है, मेहमानों से घर भरा हुआ होता है, पर जब वो चले जाते हैं तो घर एकदम सूना हो जाता है। पूरे घर में उदासी छाई होती है, सारे घर की रौनक चली जाती है। जिस दिन बाबा गांव पहुंचते थे पूरा गांव स्टेशन पर उमड़ आता था। जैसे ही ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाबा हरभजन सिंह की वर्दी, जूते और तस्वीर थामे सैनिक बाहर निकलते, पूरा प्लेटफॉर्म जयकारों से गूंज उठता, जैसे एक होड़ सी मच जाती सब में बाबा को छूने के लिए। देखा जाए तो बाबा हरभजन सिंह वहां कहीं नहीं होते थे, लेकिन जिस तरह से लोग कभी उनकी तस्वीर पर जल छिड़कते, फूल माला पहनाते, लगता ऐसा ही था जैसे कोई जंगबाज कई दिनों की छुट्टी के बाद घर लौटा। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सोचिए कि ये अंधविश्वास है या एक अद्भुत आभास कि एक सैनिक को उसके मरने के बाद भी जिंदा समझा गया। भावना पूरी लेके आता है, उन्होंने मनोकामना भावना पूरी होती हैं, जो भी इतने आए वो अपने राजी खुशी जाता है। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं बचपन से कि किस कदर उनकी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे पहले कम रश होता था, अब हर साल मेले लगते हैं, कई कई अखंड पाठ रखे जाते हैं जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा संगत होती है, लंगर लगते हैं और उनके नाम पे काफ़ी श्रद्धा से उस दिन को मनाया जाता है। जितने भी लोग स्टेशन पर मौजूद रहते उनकी ट्रेन पहुंचने के साथ ही बाबा हरभजन सिंह की जय के नारे लगाने लगते। यहाँ से जो ये माहौल शुरू होता वो एक जुलूस की शक्ल में उनके गाँव तक जा पहुँचता था। जितने दिन वो छुट्टी पर रहते उतने दिन गांव में सुख शांति रहती, लेकिन उसी दौरान भारत चीन सीमा पर तैनाती बढ़ानी पड़ती थी क्योंकि उनका सजग संतरी जो छुट्टी पर था। पंद्रह सितंबर से छुट्टी पर गए बाबा को ठीक 2 महीने बाद यानी 15 नवंबर को वापस ड्यूटी पर लौटना होता था। इस बीच सीमा पर तैनात टुकड़ी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती थी, पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। हरभजन बाबा की जय, की जय, की जय। बाबा का पूरा बक्सा घर आता था जिसमें उनकी साज सज्जा का पूरा सामान होता था। इस दौरान पूरा गांव भक्ति भाव में डूब जाता और कैप्टन हरभजन सिंह का घर गुरुद्वारा बन जाता था। बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का इतना बड़ा नाम रोशन किया है, क्योंकि जब भी कोई सिक्किम से इधर आदमी आता है या आर्मी वाला कोई आता है या कहीं से भी आता है तो गांव जाए ना जाए हम देखते हैं यहाँ से कि वो गेट के ऊपर प्रणाम करके फिर ही गुजरता है। कई आर्मी वाले रिटायर मैंने यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ से खड़े होकर सलूट करके जाते हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टियां खत्म होती बाबा को ड्यूटी पर वापस ले जाने के लिए 2 सैनिक गांव आते और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें फिर ट्रेन में अपने साथ ले जाते। बाबा का सारा सामान उनके साथ वापस चला जाता था। फौजी लेकर आते हैं उन्हें, कभी 2 कभी 4 चार भी आ जाते हैं। अगले साल जो फिर कोठा कट्ठा छा दिता, अगले साल फिर गड्डी आन खलोती आते हैं तो कहते हैं गेट खोलो, दो अगे कह लगे बाबा खोलो छुट्टी लेके आए ने, ते इन्हें फिर फौज लैके भी जाती रही तो लैके भी आती रही है। हर साल
सेना इसी तरह बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजती रही और ये सिलसिला साल 2006 तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद बाबा रिटायर हो गए। आज के दौर में ये बात अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। बाबा हरभजन सिंह के गांव का नाम है कूका गांव, लेकिन आज उस गांव की पहचान ही बाबा हरभजन सिंह से होती है। हर साल फौज छोड़ के आती है यहां पर, हर साल खूब बड़ा मेला लगता है यहां। साल दे साल मेला लगता है बाबा जी दा। बाबा हरभजन सिंह फौज के अनुशासन को घर आकर भी नहीं भूलते थे। यहाँ भी जब उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो टोकना नहीं भूलते। साड़ी माता लगी कहन के भजन आया। शरीर छोड़ने के बाद भी उनको प्रमोशन मिलता है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है। हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह बताते हैं कि एक बार उनके मन में बाबा को लेकर संदेह आ गया था। तब बाबा ने उन्हें दर्शन दिए, जिसके बाद फिर उनके मन में कभी इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहा कि वो घर में मौजूद नहीं है। जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ मैंने उनको सुबह सुबह देखा, देख करके मैं हैरान हो गया। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रजाई उड़ाई और कहा, हैरान मत हो, ये मैं ही हूँ। रतन सिंह ने माँ के गुजर जाने के बाद घर के एक हिस्से को बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया है, जहाँ उनका सारा सामान बड़ी हिफाजत से रखा रहता है। रिटायर होने के बाद बाबा हरभजन सिंह को लाने ले जाने की पूरी कवायद नहीं होती, लेकिन सेना के वीरों का मानना है कि आज भी सैनिक हरभजन सिंह भारत चीन सीमा की बर्फीली पहाड़ियों पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। ए बाबा बहुत साडे सिखम दा है जी। बाबा बहुत सिद्ध है, उथे भी फौज देंदा है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। बड़ा कोई रोई खंड पाट, हम पर भी उनकी कृपा बनी हुई है। बड़ा कृपा महाराज दी, बहुत कृपा है। तो बाबा हरभजन सिंह रिटायर करके अब अपने घर पर आ चुके हैं। जिस तरीके से नाथुला पर उनका मंदिर है, उसी तरीके से उनके घर में उनका मंदिर बनाया गया है। उनका वो बंकर उसी तरीके से उनके कमरे के रूप में यहाँ पर मौजूद है। रिटायरमेंट की जिंदगी वो जी रहे हैं, लेकिन लोगों पर उनकी कृपा कम नहीं हुई है। वैसे भी कहते हैं ना कि राष्ट्र सेवा और मानवता ही तो सबसे बड़ा धर्म है, और जो उसका पालन करता है वही तो देवता होता है। हिंदुस्तान ही नहीं, इस दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो है सियाचिन। वहां पर तैनाती के लिए सैनिकों को सिर्फ हथियार नहीं, हौसले की जरूरत होती है। वो हौसला अंदर से भी आता है और कई और इसकी वजहें भी होती हैं। सियाचिन में पोस्ट पर तैनाती से पहले हर सैनिक एक खास जगह पर मत्था टेक कर जाता है। उसकी भी कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती है बाबा हरभजन सिंह से ही। वो है ओपी बाबा का मंदिर। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना ये है ओपी बाबा का मंदिर। यहां से होकर जो भी भारतीय सैनिक गुजरता है वो ओपी बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता, क्योंकि मान्यता है कि ओपी बाबा का हाथ जिसके सिर पर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न खतरनाक मौसम न दुश्मन देश की गोली। ओपी बाबा कभी भारतीय सेना के एक जाबाज सिपाही थे और उनका नाम था ओम प्रकाश।
1980 के दशक में जब पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन में घुसपैठ की थी तो मालौन चौकी पर ओम प्रकाश ने अकेले ही पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। ओम प्रकाश फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन एक दिन अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इसके बाद सियाचिन में तैनात कई सैनिकों ने जिस तरह के अपने अनुभव बताए, उसने ओम प्रकाश को ओपी बाबा बना दिया। कई सैनिकों ने बताया कि जब कभी वो रास्ता भटक जाते तो ओपी बाबा किसी न किसी रूप में उन्हें रास्ता दिखाते, या जब कभी बर्फीला तूफान आने को होता तो ओपी बाबा किसी न किसी संकेत के जरिए पहले ही इस बात की सूचना दे देते और जवानों को सावधान करते। यही वजह है कि आज भी जब भी कोई सैनिक किसी मोर्चे पर जा रहा होता है या लौट कर आ रहा होता है, वो ओपी बाबा के दर पर माथा जरूर टेकता है। 2002 में इस जगह पर ओपी बाबा का एक भव्य मंदिर बनाया गया, जो बर्फ के थपेड़ों के बीच शान से खड़ा इस बात की गवाही देता है कि अगर सैनिक में देश के लिए खुद को न्यौछावर करने का जज्बा है तो देश भी उसके चिन्हों को संजो के रखता है। इत्तेफाक ये भी है कि ओपी का मतलब अगर ओम प्रकाश है तो ओपी का मतलब सैन्य भाषा में ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी है, यानी वो जगह जहां से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अविश्वसनीय है ये कहानियां, मगर अद्भुत है इस देश का विश्वास। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।